नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, पिछले कई सालों की अपेक्षा इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसीलिए गन्ने को थोड़ी सी स्पेशल देखभाल की आवश्यकता है। इस समय पे हमें कुछ ऐसे खाद है जिनका इस्तेमाल अगर हम करें तो हमें फ़ायदा मिलेगा, और कुछ ऐसी सावधानियां हैं गन्ने में अगर वो रखें हम तो। किसान साथियों, ये जो 10-15 दिन का फेज़ है अब, जब गर्मी और भी ज़्यादा पड़ रही है, इससे हम अपने गन्ने को पार कर लेंगे, फिर बरसात आ जाएगी किसान साथियों, उसमें गन्ना स्वतः ही बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। कई किसान साथी मुझे रोज़ अपने गन्ने की फ़ोटो भेजते हैं। अभी अभी एक किसान ने भेजी कि 13-235 गन्ना प्रजाति है मनोज भाई, बिल्कुल सुकड़ सी गई, बत्ती बटी हुई है, नीचे की जो पत्तियां हैं वो लाल होके पीली होके जल चुकी हैं, हम इसमें क्या करें, कौन सी दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों, ये दवा की वजह से नहीं है, ये टेम्परेचर की वजह से है, ये गर्मी की वजह से है। जो टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर तक पहुंच जाता है रोज़, उसकी वजह से ये गन्ने में परेशानी आ रही है। पहली सावधानी तो यही रखनी है कि हमें अपने गन्ने में किसान भाइयों नमी बना के रखनी है। 7-8 दिन होते ही उसमें दोबारा पानी देना है, और हो सके तो अपने खेतों में एक आध स्प्रे आप टैंकर से पानी की अगर करवा दें ऐसे ही बहुत अच्छी सी, तो उसका भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा अपनी फसल पे। किसान भाइयों, दूसरी सावधानी हमें ये रखनी है इस समय पे कि बिल्कुल भी अपने खेतों में अब खाद मत डालें। किसान भाइयों, खाद के हमें फायदे की जगह इस समय पे नुकसान ही मिलेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि एक बारिश जब हो जाएगी उसके बाद आप जो भी डोज देना चाहते हैं अपने गन्ने को वो दें। मिट्टी चढ़ाते वक्त अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत खाद दे सकते हैं, वरना बिल्कुल भी आप अभी खाद मत डालो, उसका हमें फायदे की जगह नुकसान ही हो रहा है। जो भी किसान थोड़ी सी भी ओवरडोज अपने खेत को दे रहे हैं, उसकी बत्ती बटी हुई है, और किसान भाइयों चाहे उसको फिर पानी भी दे दें हम या नमी भी बना के रख लें, लेकिन वो खेत बिल्कुल भी खुल नहीं रहा, उसकी पत्ती खुल नहीं रही, यानी फायदे की जगह खाद से हमें नुकसान ही मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो किसान कर रहे हैं, एक गलती बहुत बड़ी गन्ने में, कि बार बार इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे हम बताते हैं कि भाई 20-30 दिन पे करना, उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, और दूसरा तीन तीन चार चार दवाएं मिला के कर रहे हैं इस समय पे, जिसका बहुत ही दुष्परिणाम खेती पे देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, पहली बात तो अब 3 पीढ़ी जा चुकी है, अब बारिश के बाद ही मुझे लग रहा है कि अगली पीढ़ी आएगी टॉप बोरर की, उस समय पे आप स्प्रे करना, छिड़काव करना, और अगर आपको 1 महीना हो गया और स्प्रे करनी है तो किसान भाइयों केवल एक कीटनाशक का छिड़काव करें, पानी देने के बाद छिड़काव करें, शाम को छिड़काव करें किसान भाइयों, और उसके साथ स्टिकर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी 2 दवाई न डालें। और दवाई के साथ एक सावधानी और रखनी, मान लीजिए आप कमर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं और आप 5 बीघे में 6 टंकी या 7 टंकी में खेत को निपटा देते हैं, तो टंकी के हिसाब से दवाई बनाइए। ये मत सोचिए कि मुझे 500 ml दवाई 5 खेत में डालनी है तो मैं 500 का ही घोल बनाऊंगा, नहीं। अगर आप प्रति टंकी घोल बनाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, हल्की दवा लगेगी और 10 दिन का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा 15 दिन का, और ये जो गर्मी का फेज़ है, जो समय है, ये निकल जाएगा और हमारे खेत की बत्ती नहीं बटेगी ज़्यादा, सिकुड़न नहीं आएगी पत्तियों में। जैसे 7 टंकी लगनी है तो आप प्रति टंकी 50 ml कोई भी दवा ले लो और नमी के बाद उसका छिड़काव करें तो कम दवा लगेगी, 350-400 ml दवा में ही हमारा खेत निपट जाएगा। अगर आप टैंकर से कर रहे हैं, बड़े टैंकर से, तो उसमें आप 500 ml दवाई मिलाइए। किसान भाइयों, ये समय हमें निकालना है, और गन्ने की फसल पे दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे। मैं इधर शामली की तरफ गया, पूरे के पूरे खेत सड़क के किनारे जले से खड़े हुए हैं, पत्तियां एक एक जली हुई है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी देख रेख की आवश्यकता है। अगला आप काम क्या कर सकते हैं, अपने गन्ने को कोई भी सीवीड वाला जो भी PGR है उसका छिड़काव कर सकते हैं, उससे बहुत ही फायदा मिलता है। जैसे PI कंपनी का बायोवीटा या सागरी का है, सस्ते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान मुझसे गन्ना वर्धन लेके गए वो उसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन नरमाई में ही करना है किसान भाइयों, ये आपकी पत्तियों को शांत करेगा और हरापन पत्तियों में हल्का सा बना के रखेगा। बाजार से कोई अगर आप लेना चाहो वो भी ले सकते हैं, और इस समय पे दवाई और स्प्रे से ज़्यादा हमें बचना है। अपने गन्ने में नमी बना के रखिए किसान साथियों, इसी से ही गन्ना हमारा धीरे धीरे चलता रहेगा, और जैसे बरसात आएगी दोबारा से पत्तियाँ खुलेंगी, फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होगी और गन्ना विकास करना शुरू कर देगा। कई किसान कह रहे हैं कि भाई हमारा खेत तो वहीं रुका पड़ा है, चल नहीं रहा, ये सब यही कारण है कि पौधे और फसल स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा तनाव में है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको खादों के साथ, दवाओं के साथ और अपनी फसल के साथ रखनी है। धन्यवाद।